ठंडियों का सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत अच्छी मटर आ रही है, तो चलिए आज हम कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो लगभग हर किसी को खाना पसंद है और जिसे आप बना करके 5 से 6 दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है मटर की कचौरियाँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल मटर ले लिया है, ये हरी मटर है। अगर आपके पास ताजी हरी मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ्रोजन मटर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितनी हरी मटर का ऐसे आता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल हरी मटर ले लिया, 1/2 इंच मैंने ले लिया है अदरक जिसे बारीक काट लिया है, और 1 ले लिया मैंने हरी मिर्च। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मटर को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और मैं सारी मटर इसमें डाल दे रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और ये हरी मिर्च, और इसे हमें पानी डाल के नहीं पीसना है और इसको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बहुत ही मोटा मोटा सा इसका पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो मटर हमारी यहाँ पे अच्छे से पीस गई है और ये देखिए बहुत ही दरदरा सा पेस्ट मैंने इसके बना के तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसे भून करके इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मसाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट ले आता है ये हमारी स्टफिंग में, तो इसे आप ज़रूर बना करके इसमें डालें। तो ये हमारा मसाला अब तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपनी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं उसमें 2 चम्मच तेल डाल दूँगी। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, और इसे मैं हल्का सा चला देती हूँ। और अब मैं इसमें 2 चुटकी हींग डाल दे रही हूँ। तो हमारा ज़ीरा और हींग अच्छे से तड़क गए हैं और अब मैं इसमें ये मसाला डाल दे रही हूँ। तो हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा ही मसाला डाल देना है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो मसाला हमारा यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी। बेसन डालने से हमारा जो स्टफिंग है उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसन को भी आप बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनें और तब तक भूनें जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी एक खुशबू ना आने लगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो बेसन और मसाला हमारा यहाँ अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मटर जो हमने पीस रखी है। तो ये सारी की सारी हरी मटर मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है जब तक कि हमारी हरी मटर का कच्चापन बिल्कुल चला ना जाए और बहुत ही अच्छी सी इसमें से एक स्मेल ना आने लगे। तो इसे भूनने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, पर याद रखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। मसाला और मटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमने मसाले में भी नमक मिलाया था, तो बहुत ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे। और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच चीनी। तो हमारी मटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठी वाली मटर नहीं है, इसलिए मैं इसमें 1/2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, पर अगर आपकी मटर मीठी है तो आप चीनी डालना अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल लो रखना है और इसे तब तक भून लेना है जब तक इसमें से बिल्कुल कच्चापन ना निकल जाए और बहुत ही अच्छी एक स्मेल ना आने लगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो मटर हमारा जब तक भून रहा है तब तक हम आटा भी गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, आप चाहें तो 1/2 मैदा और 1/2 आटा भी ले सकते हैं। तो ये मैं इसे बाउल में डाल दे रही हूँ और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग में भी नमक होता है, तो इसलिए ज़्यादा नमक आप मैदे में मत मिक्स करें। और इसमें अब हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल मोयन के लिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो कचौरी बनता है बहुत ही खस्ता बनता है, तो मोयन लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो इतने आटे के लिए 1/4 कप ऑयल बहुत होता है मोयन लगाने के लिए। तो हम मोयन सही तरीके से लगा पाए हैं या नहीं, या मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, आटे को ऐसे मुट्ठी बांधते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे मुट्ठी में इसे ऐसे बांधते हैं, और अगर ऐसा लड्डू जैसा ये बन जाता है, इसका मतलब कि हमारा परफेक्ट मोयन लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे पानी से गूंथ लेंगे, और हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, और बहुत ही अच्छे से इसे गूंथ के तैयार करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बहुत सारा पानी हम नहीं डालेंगे, और अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आटा अच्छे से गूंथ के तैयार हो गया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा हुआ है हमारा यहाँ पे। मैं यहाँ पे तेल इसलिए लगा रही हूँ जिससे आटे में एयर ना लगे और इस पर पपड़ियाँ ना पड़े। तो अब हम इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा और फिर हमारी कचौरी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो ये मैंने इसे ढक दिया है, और चलिए अब हम इसे साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मटर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे बुझा करके एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये हम मटर की स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगी तो हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ मटर की स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग के लिए छोटी छोटी सी ऐसे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह की बॉल्स बनाने से क्या होता है कि हमें स्टफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है कचौरी में। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी बॉल्स बना रही हूँ मैं। नींबू के आकार से थोड़ी सी छोटी बॉल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर स्टफ़ कर देंगे तो हमारी कचौरियाँ फट सकती हैं, इसलिए ऐसे छोटा छोटा सा बॉल्स आप बना लीजिए। तो सारी की सारी बॉल्स मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम अपनी कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे मैं हल्का सा एक बार और गूंथ लेती हूँ, और अब मैं इसे दो पोर्शन में तोड़ लूँगी। तो एक पोर्शन को मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख करके उसे थोड़ा लंबा कर लूँगी, और इसे चाकू से बराबर काट करके इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लूँगी, जिससे हमारी लोइयाँ एक बराबर बनेंगी। तो ये मैं इसे चाकू से काट ले रही हूँ। तो अब मैं इसे हाथ पे घुमा करके एक बॉल तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे बॉल जैसा बना दिया है, और ये जो बॉल है हमारी, ये फिलिंग की बॉल से थोड़ी सी ही बड़ी है। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने मैदे की सारी बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी बॉल बना ली है, और अब मैं इसे फिंगर से ऐसे दबा करके छोटी सी पूड़ी जैसा बना लूँगी। आप चाहें तो इसे बेलन से बेल करके भी एक छोटी सी पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने तैयार कर लिया है, और अब मैं इस पूड़ी के अंदर अपनी फिलिंग वाली बॉल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पूड़ी ले ली, और इसके अंदर ये बॉल डाल देते हैं, और इसे दबा दबा करके अच्छे से पैक कर देते हैं ऊपर से। ये देखिए, पूरी तरीके से मैंने इसे पैक कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आटा हम इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आटा आटा ही रहता है तो कचौरी में फिलिंग पता ही नहीं चलती है, सिर्फ आटा ही पता चलता है। तो इसे हथेलियों पे ऐसे दबा दबा करके हम इसकी कचौरी बनाते हैं। तो अब मैं पहले सारी की सारी फिलिंग ऐसे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने फिंगर से इसे बढ़ाया है, इसमें एक बॉल डाली, और चारों तरफ से आटा दबा करके इसे पैक करके एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया। और अब हम इसे घुमा करके अच्छे से चिकना कर लेंगे और चपटा कर देंगे थोड़ा सा। तो ऐसे ही मैं सारा का सारा तैयार कर लेती हूँ। आटे में मैंने सारी की सारी स्टफिंग भर दी है, और अब मैं वुडन बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, और इसी के ऊपर हम अपनी कचौरियाँ रख करके इसे बढ़ाएंगे। तो ये मैं हाथ से ही बढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने हाथ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और अब कचौरी को रख करके मैं इसे फिंगर की सहायता से और पाम की सहायता से धीरे धीरे प्रेस करके बढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, बहुत टाइट से आप इसे दबा करके मत बढ़ाइए, नहीं तो आपकी फिलिंग फट के बाहर आ जाएगी आटे से। और चारों तरफ से आप इसे बराबर से ऐसे पाम से दबाइए, जिससे हर तरफ की फिलिंग आपकी फैल जाए और पूरी की पूरी कचौरी में फिलिंग अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए,
ऐसे आप चारों तरफ घुमा घुमा करके तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल के तैयार कर सकते हैं, पर बहुत ही हल्के हाथ से बेलन चलाइए। तो सारी की सारी यहाँ पे कचौरी मैंने बना के तैयार कर ली है, तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और ऑयल हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है। तो अब हम यहाँ पे एक कचौरी ले लेंगे और इसे मैं बीच में ऐसे दबा दे रही हूँ अपनी हथेली से, ये देखिए। और इस तरीके से करके मैं इसे ऑयल में डाल दे रही हूँ, ये देखिए कितने हल्के से बबल्स इसमें आ रहे हैं। इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ऑयल हमारा कितना कम गर्म है। तो बहुत ही हल्का सा हमें ऑयल को गर्म रखना है और कचौरियों को एक एक करके इसमें डाल देना है। और एक बार में आप उतनी ही कचौरी डालें जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रखें। तो अभी हम इसे तब तक टच नहीं करेंगे जब तक हमारी कचौरियाँ अपने आप तैर के ऊपर ना आ जाएं। तो आप बिल्कुल भी इसे तब तक चलाने की कोशिश ना करें, ऐसे ही इसे लो फ्लेम पे छोड़ दें। तो कचौरियाँ हमारी तैर के ऊपर आ गई हैं, और अब एक चम्मच की सहायता से मैं इनके ऊपर भी ऑयल डाल दूंगी। ऐसा करने से कचौरियाँ बहुत ही अच्छे से फूल जाती हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रही हैं। तो ये सारी की सारी कचौरी फूल गई है, तो अब मैं इसे पलट देती हूँ, और ऐसे ही उलटते पलटते हुए हमें इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो चलिए अब हम इन्हें अच्छे से तल लेते हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी कचौरी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर कलर इनका आया है, और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, ये देखिए। तो सारी कचौरी को तैयार करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, और सेकंड बैच आप तब डालें जब आपका तेल थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। तो आप यहाँ पे गैस को बुझा दें और उसके थोड़ी देर बाद आप अपना सेकंड बैच इसमें डालें। तो फ्रेंड्स, हमारी मटर की कचौरियाँ बनके यहाँ रेडी हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता ये बनती हैं, और ये जैसी फूली हैं ऐसे ही फूली रहेंगी, बिल्कुल भी पिचकने वाली नहीं है। तो इन कचौरियों को बना करके आप एक हफ्ता अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। और आप चाहें तो इसकी फिलिंग को भी बचाकर रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में, और जब चाहें तब उसका पराठा या कचौरी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, तो ऐसी ही कई सारी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैंने कई सारी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।